रात का समय था और काफ़ी बारिश हो रही थी और घने जंगल में हम लोग गए अंदर। उन लोगों ने घात लगा कर 250-250 लोग थे और उन लोगों ने एक सीरीज लगाया था और उस सीरीज पे हमारा बगल से मूवमेंट हो रहा था। जंगल जंगल जाल बिछा है, कॉलिंग टू एट अल्फा, टू सिक्स, हमारे कमांडो पे गोली लगी है, इन्फॉर्मेशन बच गया है, तो भाई सर 1 सेकंड सर, प्रिकॉशंस लेने हैं प्रॉपर। नक्सल हाइड आउट में बैठा है, कहाँ छिपके बैठा है, पेड़ों के पीछे बैठा है, कमांड आईडी लगा के बैठा है, कोई भी आईडी लगा के बैठा है, तो वही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है जंगल के अंदर। जंगल जंगल शत्रु छिपा। जंगल में जाने के बाद में कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं है और ना पानी मिल पाता है, तो इसको क्रॉस करने में हमको 3-4 रात एलओपी लेना पड़ता, तब जाके हम इसको जो है क्रॉस कर पाते। तीन एस पे हम फोकस करते हैं, सरप्राइज, सीक्रेसी और साइलेंस। दोनों टीम मिला के 38-39 लोग थे और हम लोगों ने लोगों का सामना किया। तो पहला ऑपरेशन था जिसमें भारी संख्या में नक्सली मारे गए थे, कम से कम 150 नक्सली, क्योंकि हम उसमें कम से कम 80 स्लीपिंग बैग मिले थे और 40 ब्लैंकेट मिले थे। जंगल जंगल कदम पड़े तो जंगल जंगल शत्रु मिटा है। कोबरा कमांडो वो है जो कोबरा की तरह विष लेके चलता और अपने दुश्मन में एक ही बार वार करता, उसको नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। देश के हर शत्रु के लिए ये साक्षात काल है। अगर शांति रहे तो शांति के ही दूत हैं, लेकिन अगर वार हो जाए तो पलटवार है, प्रतिघात है, प्रतिशोध है। ये देश की हिम्मत है, ये देश की ताकत है, ये सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज हैं। ऑल स्टेशन अलर्ट, सामने हमको धुआं दिखा है। सोलह के जुलाई महीने में कोबरा के एक ऑपरेशन चला था चक्रबंधा के जंगल में, उसमें नक्सलियों ने आईडी सीरीज आईडी लगा करके कोबरा को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसमें लगभग हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। 10 महीने नौकरी करते हैं, 2 महीने घर में रहते हैं, तो जो साथी इस तरीके से चले जाते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो इससे ज्यादा दुख दर्द अब कुछ नहीं हो सकता। कोबरा कमांडोज की 205वीं बटालियन पर यह एक भीषण आघात था। अपार दर्द था, गुस्सा था, लेकिन उस बलिदान ने इनके प्राण को और शक्ति दी थी। गुस्सा, जबरदस्त गुस्सा होता है कि उसके बाद हम ठान लेते हैं कि इनका बदला तो लेंगे। नक्सलियों के काल, कोबरा कमांडोज की अलग अलग बटालियंस की अलग अलग खासियत, अलग अलग पहचान होती है। इस बटालियन की खासियत है अपनी गलती कभी न दोहराना और प्रतिशोध को अंजाम तक ले जाना। कोबरा कमांडो वो है जो कोबरा की तरह विष लेके चलता और अपने दुश्मन में एक ही बार में वार करता, उसको नस्तनाबूद करता। लेकिन उससे जो हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हुआ, नक्सलियों के प्रति जो हमारा संकल्प मजबूत हुआ, उसके बाद हमने ऑपरेशन में काफ़ी एग्रेसिवनेस लाया और उसके बाद उनके खिलाफ काफ़ी अभियान चला करके उसके बाद लगभग 17 नक्सलियों को हम लोगों ने मार गिराया।
जिस क्षेत्र में ये बटालियन तैनात है ये कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज इस बटालियन के ऑपरेशंस की बदौलत नक्सलियों का इलाका सिमट चुका है। वो भागते फिरते हैं, यहां तक कि 2016 के उस हमले के मास्टरमाइंड ने डर के मारे तेलंगाना में सरेंडर कर दिया। दर्द भी एक अजीब सी चीज है, जो कमजोर है उसे तोड़ देती है और जो मजबूत है उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। और ये तो कोबरा है, अपने साथियों को खोने का गम जरूर रहता है, लेकिन उस सम्मान में भी इनका संकल्प और दृढ़ होता जाता है। ऑपरेशन दर ऑपरेशन इन शूरवीरों ने नक्सलियों के खात्मे का सिलसिला शुरू कर दिया। सीने पर तमगे सजते गए, लेकिन जब तक देश का एक भी दुश्मन जिंदा है ये रुकेंगे नहीं। रात का समय था और काफ़ी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और घने जंगलों में हम लोग गए अंदर और सर्चिंग के दौरान वापस आ रहे थे, तो उन लोगों ने, उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, उन लोगों ने घात लगा, कम से कम 250-250 लोग थे, उसमें बड़े बड़े लीडर थे, और उन लोगों ने एक सीरीज लगाया था और उस सीरीज पे हमारा बगल से मूवमेंट हो रहा था, उसमें उन लोगों ने 11:15 बजे लगभग ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने के बाद इनकाउंटर, उन्होंने फायरिंग खोला। चकरबंदा के घने जंगलों का इस्तेमाल नक्सली अपने अड्डे के तौर पर करते हैं, जहां पर दुश्मन देशों से हासिल हथियारों को इकट्ठा किया जाता है ताकि देश को भीतर से तोड़ा जा सके। अमूमन एक से अधिक राज्यों की सीमाओं से लगने के कारण ऐसे जंगलों को चुना जाता है, पर कोबरा कमांडोज को कोई सीमा, कोई सरहद नहीं बांध सकती। ये जंगल बहुत टफ है। सबसे बड़ी चीज है कि ये कैमूर क्षेत्र का बड़ा हुआ भाग है और इसमें हाइट, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 595 मीटर है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, अंडुलेटिंग ग्राउंड है, बोल्डर्स हैं, और इसके चारों तरफ गांव हैं। चकरबंदा के इन जंगलों में 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटे से अधिक वक्त लग जाता है। घने पेड़ पौधे, कटीली झाड़ियाँ, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, सबसे लड़ते और बढ़ते हैं हमारे जवान। ऐसे में जनवरी के महीने में इन्हीं जंगलों में डुमरी नाला नाम की जगह पर नक्सलियों के होने की खबर थी। आप जो वजन लेके जाते हैं उसमें आपका फोकस क्या होता है, क्या ले जाऊं ज्यादा, क्या कम ले जाऊं? मैम, मेजर फोकस हमारा वाटर पे रहता है। हाँ। पानी है। कितने लीटर लेके चलते हैं? मैम, आई हैव कैरीड 10-12 लीटर्स माईसेल्फ। इस जंगल में बहुत इजिली साफ पानी नहीं अवेलेबल है? मैम, साफ पानी तो नहीं, पानी ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो इस लाइक कि हमें जंगल में जब रुकना होता है तो नाले होते हैं, एंड बेसिकली इन द मंथ, मतलब समर मंथ्स में जब बिल्कुल भी पानी, चक्रबंदा जंगल में आयल से वहाँ पे बिल्कुल भी पानी हमें नहीं मिलता है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और रात का अंधेरा, इस इलाके में नक्सली एम्बुश एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी घात लगाकर हमला, ताकि हमारे सुरक्षा कर्मियों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाए। इसीलिए खुफिया जानकारियों को भी सतर्कता के पैमाने पर तोला जाता है। कौशल लेना आईडीज का, ओवर। कोबरा कमांडोज की 2 टीमें करीब रात 2 बजे जंगल के मुहाने पर पहुंच गई थी। नक्सल क्या करते हैं, वो अपने सारे टेल साइन छोड़ देते हैं, तो जब हम लोग मूवमेंट कर रहे थे तो हमने भी टैक्टिक्स अपनाई थी कोबरा की, कि हम सारे अपने जो हमारे पैर के हमारे जवानों को जो पीछे से, जो हमारे जो रियर सबसे लास्ट जवान होते, कमांडो होते हैं, उनको हमने कुछ झाड़ू टाइप का बनवा दिया था और वो अपना पीछे से खींचते जा रहे, जिससे हमारा जो इंडक्शन का जो टेल साइन था, सोज वगैरह का निशान, वो सारे मिट गए थे। गाँव वालों पर नक्सलियों का दबाव रहता है, जान जाने के डर से गाँव वाले नक्सलियों को खबर दे देते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज को नक्सलियों के साथ साथ गांव वालों की नजरों से भी दूर रहना होता है। कोबरा कमांडोज का सारा ऑपरेशन इन जंगलों में ही होता है, घने पेड़, रास्ता नहीं सूझता है, लेकिन उसमें से आपको निकलना है। लेकिन एक बहुत अहम चीज होती है जिसे समझना होगा इनके ऑपरेशंस के हिसाब से, थकान बहुत होती है, इतनी ज्यादा उमस, पसीना, पानी की कमी, लेकिन उस सब के बीच
ये एक चीज कभी नहीं भूलते हैं और वो है जो इनकी बुनियादी चीजें जो इन्हें सिखाई जाती हैं, यानी बेसिक्स। क्योंकि आप सफल तभी होते हैं जब नींव आपकी मजबूत होती है। जंगल में 5 से 6 मीटर के आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था, पर आगे चल रहे स्काउट्स को आसमान में धुआं नजर आने लगा। दूरबीन से देखने पर स्मॉग तो समझ में आया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि यह मौसम के कारण है या जंगल में कहीं जलता हुआ चूल्हा। 8 तारीख को सुबह में हम लोग जंगल में इन कर गए थे फर्स्ट लाइट। उसके बाद हम लोग पूरे दिन सर्च करते रहे। शाम के टाइम में करीब लगभग 3 बजे, 3 से 4 के बीच में हमें संभावित लगा कि नहीं, नक्सल यहाँ पे है, जंगल से लकड़ी काटने वाले। तो वो बताए थे हमको कि 2 से 3 दिन पहले इधर दिखे थे। उसके बाद हम लोग को धुआं दिखाई दिया। पड़ताल करते हुए कमांडो अभी पसोपेश में ही थे कि तभी विस्फोटकों की टोह मिली। जमीन पर आईईडी सीरीज बिछी हुई थी। अब तय हो चुका था कि हो न हो नक्सली आसपास हैं। हमने उसको मार किया, चिन्हित किया और उसका जीआर नोट किया और जो हमारा हेडक्वार्टर था उसको बताया कि ऐसी जगह पे आईडी मिली है, इसको आप भेजवा के डिमोलाइज करा लीजिए। हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे, रूट चेंज किए क्योंकि उस रूट पे आईडी सीरीज थी, नुकसान हो सकता था। हमने ट्रूप को अलर्ट किया, कमांडरों को, और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के दौरान एक वाटर पॉइंट मिला। जंगल के अंदर वो लोग क्या करते हैं, बालू हटा के बॉर्डर किनारे से पानी पीते हैं। तो वहाँ पे हमारा चल रहे थे, तो हमारा जो स्काउट था उसको वहाँ टेल साइन दिखे, कुछ जूते के निशान दिखे, कुछ पत्ते वगैरह, और वहाँ पे वो लोग बर्तन धुले थे, कुछ चावल के कण उसमें जो है पानी में मिले। तो उसने मुझे इशारा किया कि सर यहाँ पे कुछ टेल साइन मिल रहे हैं। हम देखे और हम लोग कन्फर्म हुआ, कहीं ना कहीं ये कन्फर्म हो गया कि नक्सल प्रजन तो है। अर्ली मॉर्निंग में जब हम लोग जंगल में इन किए थे तो उस समय लाइट थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ था। जब हम इन किए थे तो मैं स्काउट चल रहा था, तो वहाँ पे हमने उस चावल को धुले हुए वहाँ दिखे। तो मैं अपने जो हमारे कमांडर लीड कर रहे थे हम लोग टीम को, उनको मैंने इस पॉइंट को बताया। नक्सल प्रेजेंस कंफर्म होते ही खामोशी से इशारों में रणनीति बनी। एक टीम दाएं से आगे बढ़ी, दूसरी बाईं ओर से। कोबराज इतने दबे पांव आगे बढ़े थे कि नक्सलियों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन तभी नक्सली कैंप के नजदीक लगे आईडी में ब्लास्ट हो गया। सरप्राइज अब खत्म हो चुका था। नक्सलियों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद कोबरा कमांडोज भारी पड़ रहे थे। एकदम अंधेरा हो गया और इनकाउंटर चल रहा था, उसमें काफी नक्सली फायर कर रहे थे। फिर धीरे धीरे करीब 8 बज गया रात में। तब तक ऐसे चलता रहा, हमने पूरी रात पोजीशन ली क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा ऑल राउंड लेकर रात भर हम लोग बैठे रहे 17-18 कमांडो के साथ। सुबह जब सर्चिंग हुई, सर्चिंग के दौरान 4 वेपन मिले, AK-47, SLR, इंसास कारबाइन और 4 कुख्यात नकली। उसमें एक जो यहाँ का सबसे बड़ा आतंक था, बिहारी, वो बड़ा इनामी था और वो जो है डेथ मतलब उसमें मारा गया था। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि जब सर्चिंग हुई तो सर्चिंग के दौरान देखा गया कि 800 मीटर का कैंप था, तकरीबन 250 लोगों का खाना उसमें बना था। बड़े बड़े उसमें चावल बने थे, दाल बने थे, उनकी कोई कोर मीटिंग होने वाली थी। बहुत सारे उसमें सामान मिले, करीब 1 ट्रक सामान मिला था, स्लीपिंग बैग थे उनके, आईडीज थे, स्पेशल इक्विपमेंट थे, सोलर सिस्टम था, सारी चीज़ें उसमें थी। फिर उसके बाद उस इनकाउंटर में कुछ लोग जाके डर के मारा, जब वो ऐसा उनको लगा कि हाँ इस तरह का नुकसान हो सकता है, तो वो चतरा में जाके सरेंडर भी किए। पर ये ऑपरेशन और इसकी सफलता प्रतिशोध का लक्ष्य नहीं था, ये तो नक्सलवाद पर नियंत्रण की मुहिम में एक पड़ाव भर था। अनगिनत शौर्य के किस्सों में से केवल एक किस्सा। उमस भरे ऐसी ही जंगलों में एम्बुश लगाना होता है। अब समझिए कि इस जंगल में कहीं कोई भी खतरा हो सकता है, कहीं कोई भी छिपा हुआ हो सकता है, और उस छिपे हुए दुश्मन को बाहर निकालने के लिए आपको उससे एक कदम आगे रहना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम जवान यहां पर मौजूद तो थे, लेकिन आपको इनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। और ये सिर्फ कैमरे पर नहीं होता है, ये हकीकत में हमें चलते हुए न तो सांसों की वो आहट आपको सुनाई देती है, बाकी चीजें तो खैर बहुत दूर की बात है, और ये सामने जो पेड़ है इस पर एक स्नाइपर
आप इस पेड़ को देखकर पता ही नहीं लगा सकते हैं कि कौन है, कहां है, लेकिन इस पर एक स्नाइपर लगातार निशाना साधे मौजूद रहता है। कितने कितने घंटे ऐसे एम्बुश में बैठ जाते हैं? मान लो 5 से 6 घंटा तक रह सकते हैं यहाँ पर। 5 से 6 घंटा, लेकिन ये तो बहुत उमस भरी हुई गर्मी है यहाँ पर, इसमें दिक्कत नहीं आती? ऐसा हल्का आएगा, बाकी कर लेंगे हम लोग। ट्रेनिंग में सिखाया गया उतना हम लोग करने उतना कर लेते हैं। दरअसल अगर आप यहाँ पर देखें, हम भी यहाँ पर चलते हैं तो छोटी छोटी चींटियाँ सिर्फ चलने भर में आपको पैरों में आपके काट लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हम उन छोटी चींटियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उससे भी बड़े जानवर, जहरीले जानवर, ये सब रहते हैं यहाँ। हमें 5-6 घंटे रह सकते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या, सांप, बिच्छू, वो मधुमक्खी, सारी चीजें होती हैं? सब कुछ होता है। ऑपरेशन में काटते भी हैं? हाँ, काटते हैं सर। तो मधुमक्खी वगैरह से तो काफी दिक्कत हो जाती होगी? इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं बाद में। अच्छा, बाद में इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ता है। जिस तरह से हमें जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, जिस तरह की चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं, उससे भी लड़ना एक आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल मैडम। 5-6 घंटे उस तरह की चीजों से भी लड़ते हुए यहाँ पर भी आप लोग, जिस तरह से जो जगह आपने बनाई है, यहाँ पर बहुत कीड़े मकोड़े सब काटते रहते हैं। मैडम काटते हैं, लेकिन उसका ट्रेनिंग दिया जाता है सर। मैडम बर्दाश्त करने की क्षमता हमको, हम लोग को दिया जाता है। बर्दाश्त करने की क्षमता, ये बहुत बड़ी चीज है कि वो जो बर्दाश्त है, वो जो संयम है, वही आपकी मजबूती को, आपकी ताकत को कई गुना और बढ़ा रहा है। असहनीय ट्रेनिंग इस बात में ढाल देती है जंगल, जज्बातों को पत्थर कर देता है, अंधेरे उजालों की लालसा मिटा देते हैं, तब हर सांस दुश्मन के नाम की चलती है, हर धड़कन दुश्मन के इंतजार में धड़कती है। हर जियाले के लिए जीवन का उद्देश्य तब बस इतना रह जाता है कि शत्रु का अंत तुरंत। दिल से समझे इन्हें तो ये बहादुर है, दिमाग लगाएं तो ट्रेनिंग ने इन्हें दुश्मन के लिए जीत की गारंटी वाली मशीन बना दिया है, लेकिन हमने इनके साथ चलते हुए इन्हें महसूस किया तो पता चला कि क्या होता है एक कोबरा कमांडो होने का मतलब। आज जंगल के घनघोर अंधेरों से ये देश की उम्मीदों की मशाल बन चुके हैं। जिन गाढ़े अंधेरों में हवाएं भी सहम सहम कर चलती हैं, जिन सन्नाटों में हल्की सी पदजात की भी इजाजत नहीं होती, जिस उमस में खुद के होने का एहसास ही निरर्थक हो जाता है, वैसे हालात में जंगली जंतुओं को आहार बनाते। जंगल में अपनी पहचान मिलाते, जंगली भू सूंघ कर दुश्मन को निशाना बनाते, जंगल की आंख से आंख मिलाते वो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यही उनका मिशन है और मिशन का मतलब ही जीवन का लक्ष्य। कोबरा एक विशेष नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चैनल की एक विशेष फोर्स बनी है, तो इनका ट्रेनिंग, इनका जो जज्बा, इस तरह से इनको ट्रेंड किया गया है कि ये टेरेन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सरप्राइज मेंटेन करते हुए और उनके पास जाके स्विफ्ट एक्शन करते हैं और उसमें उनको संभलने का मौका नहीं देते। तो अभी तक जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उसमें नक्सलियों को हमेशा हानि पहुंची है। एक कोबरा और एक कमांडो, दरअसल ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमें आपको मिलेगी नहीं, दुर्लभ है, लेकिन ये इनकी जिंदगी की सच्चाई है कि ये इस तरीके से एम्बुश में रहते हैं, बिल्कुल अपनी जगह से न हिलते हुए, और इस तरह के खतरे इनके चारों तरफ है। लेकिन वैसे देखिए तो एक कोबरा और एक कोबरा कमांडो में कितना कुछ आपको एक जैसा मिलेगा। मसलन ये कि इनका काटा पानी नहीं मांगता है, दूसरा ये चलते हैं किसी को खबर नहीं लगती, तीसरा इनका दुश्मन
इनसे बचकर रहना। ट्रेनिंग शत्रु से युद्ध में सक्षम कर देती है, यह भी ठीक है कि यही ट्रेनिंग बेहद मजबूत बना देती है, लेकिन एक कोबरा कमांडो का इम्तिहान सिर्फ इतना भर नहीं होता। वो जिस जंगल में शत्रु को मौत के घाट उतारने के लिए सर पर कफन बांध कर निकलता है, वो जंगल ही उन दुश्मनों का सबसे बड़ा साथी होता है। टकराना होता है इन कमांडोज को ऐसे हालात में जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं बचती और मौत की कोई कसर बाकी नहीं रहती। गहरी अंधेरी रात और घना जंगल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि अच्छे अच्छे जो हिम्मत वाले लोग होते हैं उनका हौसला टूट जाता है। लेकिन कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो इसी अंधेरे का और इसी जंगल का फायदा उठाते हैं और अपने ऑपरेशन करते हैं। दरअसल अभी हमारे कैमरे का लाइट ऑन है, वरना अगर हम उसे ऑफ कर दें तो हाथ को हाथ न सूझे, लेकिन इन्हें पूरी दुनिया साफ साफ दिख जाती है। अपना हाथ दिखे न दिखे, लेकिन ट्रिगर पर जमी उंगलियों को दुश्मन की आहट का अंदाजा होता रहता है। ये ऐसे बैठे रहते हैं जैसे धरती की धड़कन सुन रहे हो, और जैसे ही उस धड़कन के साथ शत्रु के पैरों की आहट शामिल होती है, गोली चल जाती है, और जब गोली चल जाती है तो दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। नक्सली हमसे डायरेक्ट मुठभेड़ अवॉइड करते हैं, तो जब भी उनको मालूम चलता है कि जंगल में अभी जो फोर्स आई हो कौन सी है, तो कोबरा को वो लोग बदमाश बोलते हैं कि बदमाश आया है क्या। जो उनको संकेत में जब गांव वाले बताते कि बदमाश गया है अंदर, तो वो उस जगह को वो छोड़ देते हैं और तुरंत अपने सेफ एरिया में भाग जाते हैं। डायरेक्ट हमसे कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। बहुत हैरानी होती है नक्सली दुश्मनों को जब वो अंधेरे में टकटकी लगाए अंदाजा लगाए बैठे होते हैं कि जवान अभी बहुत दूर हैं, लेकिन उनकी सोच के खत्म होने से पहले कमांडोज उनकी सांसें खत्म कर देते हैं। कहते हैं नक्सली जंगलों को बेहतर पहचानते हैं क्योंकि जंगल में रहते हैं, लेकिन कमांडोज अनजान जंगलों से भी एक पल में दोस्ती कर लेते हैं। बाकी जंगल को हमने पूरा अपना कॉमरेड बना रखा है। हाँ। जंगल के पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े हुए, उन सब के साथ हमें रहना है, उन्हीं के बीच एलयूपी लेनी है, उन्हीं के साथ साथ मतलब हमें पूरे एक दो दिन जितने दिन का भी ऑपरेशन है हम उन्हीं के बीच काटते हैं, तो वो उतने ऐसे स्थिति में हमें उन्हें फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। सटीक लक्ष्य और सटीक निशाना, दुश्मन ढेर, और ये सब कुछ उस घनघोर अंधेरे में होता है जिसमें देखना तो दूर, देखने के बारे में सोचना भी असंभव होता है। लेकिन असंभव को ही संभव बनाते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज दुनिया में श्रेष्ठ कहलाते हैं। हमको सिखाया गया ये है कि कोबरा किसी डरते नहीं है, चाहे कितने भी मतलब खतरनाक शत्रु हो, दुश्मन हो, हम उनके साथ लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। यह कोबरा 5 साल में देखे तो 4 साल में बेस्ट ऑपरेशंस बटालियन रहे, 1 बार बेस्ट इन LWE और 3 बार बेस्ट इन कोबरा बटालियंस। हमारे पास एक कीर्ति चक्र है जो 10 कोबरा में सिर्फ एक है, वो हमारे पास है। 2 सौर चक्र हैं, 38 PMG हैं, जो मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस को अपने आप बखान कर देते हैं। कोबरा कमांडो वो है जो अपने दुश्मन को अगर देख ले तो उसे भागने की कोई मौका ना दे, और साथ ही अपना बचाओ, अपनी टीम का बचाओ इज फॉरमोस्ट फॉर अस। जवानों को इंच इंच कदम बढ़ाने से पहले माइंस का खतरा भी समझना होता है। नक्सली जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर उन पर हमला होगा तो जंगल में कितने दरवाजे खुल सकते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जंगल के किस हिस्से में जवान एम्बुश लगा सकते हैं। यही वजह है कि दुश्मन अपने दिमाग की खिड़कियां कभी बंद नहीं होने देता। ये एक पत्थर के जैसा है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये लोहा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, और इसको जब हम सर्च करते हैं, जब हमारा DSMD इसको सर्च करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए साउंड की इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ गई, जो नॉर्मल पत्थर पे नहीं है बिल्कुल। हाँ। और जब इस तरीके से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ID हो सकती है। हाँ। उसको हम थॉरली चेक करते हैं और प्रॉपर सर्चिंग के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये भी एक आईडी ही है, ये भी प्रेशर पे, जी हाँ ये भी प्रेशर मैकेनिज्म वाली आईडी है। जो आपने सवाल पूछा सर, हमने बहुत बहुत हम खोते होंगे अपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, भी पूछ रही हूँ जितने नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे मतलब जिन्हें अपने पैर हाथ अपने शरीर को गंवाना पड़ता जी होगा। हाँ, बिल्कुल ये डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको टैकल करना हमारे लिए बहुत एक्सट्रीमली एक डिफिकल्ट टास्क है। ये देखिए ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है लिवर का, ये बांस का बांस की वो है और उसमें जो है तार लपेट के इन्होंने आईडी बनाया हुआ है। हमारे कैमरा पर्सन का पैर पड़ा है एक प्रेशर जी हाँ, आईडी पर एग्जैक्टली जिसकी वजह से इस समय ये आवाज सुन रहे हैं। तो इसमें देखिए ये सर्किट किस तरीके से बनाया हुआ है, जैसे हमारा पैर पड़ेगा ना। अच्छा ये है तो लकड़ी से बना जी हुआ है। हाँ, ये बांस का बना, बांस का बना आपको है। बिल्कुल भी शक नहीं होगा, लेकिन वही है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैपेबली इसको डील कर लेते हैं। अच्छा। एक तो आपने प्रेशर मैकेनिज्म का एग्जांपल देखा और ये है प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म, ये देखिए। अच्छा ओ अच्छा ये उठाते ही, ये उठाते ही सर्किट कंप्लीट होता है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड इन क्रिएटिंग एन आईडी। इस पेड़ पे आपको कुछ लग रहा है कि कुछ लगा हो सकता है, आप इसको ढूंढने की कोशिश करिए, यहां पर भी आईडी है। गौर से देखेंगे तो एकदम उस नेचुरल सर्कमस्टांसेस के साथ एसिमिलेट की हुई एक आईडी वहां पर लगाई हुई है ये? जी हाँ। अच्छा जबकि पेड़ पर तो कोई भी मेटालिक सब्सटेंस नहीं होगा। हाँ। लेकिन तो आप लोग हर एक चीज को शक की नजर से देखते हुए चलते हैं। शक की निगाह से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए बहुत बेसिक और फंडामेंटल पॉइंट है। फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज इस इलाके में हम लोग देखते हैं वो है सीरीज आईडी का खतरा। अच्छा सीरीज आईडी में आपको हमारे सब इंस्पेक्टर रवि जो कि हमारे बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के अहम मेंबर हैं वो आपको बताएंगे। ये देखिए, अच्छा ये एक ऐसा रास्ता है, मान लीजिए चारों तरफ बहुत कटीली झाड़ियां हैं और अगर हम ये रास्ता मजबूरन हमें अगर लेना पड़ता है तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रोन हो सकता है आईडी थ्रेट के लिए। ये कॉडेक्स वायर से कनेक्ट कर देते हैं वायर्स को। हाँ। ये कॉडेक्स जो है इसके कोई चीज की जरूरत नहीं, ये वाटर प्रूफ है, इसको आप जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते हो और ये ग्राउंड में डिकम्पोज भी नहीं होता है। हाँ। ये सालों साल चलते रहता है। हाँ। तो नक्सली इसका सबसे अच्छा यूज कर रहे हैं हमारे प्रति खिलाफ। मतलब एक बार अगर उन्होंने लगा के छोड़ दिया तो सालों साल तक रहता है ये। हाँ मैम, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये बड़ा महंगा होता होगा। एक्चुअली महंगा तो फंडिंग समझिए, लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अच्छा, ये देखिए ओहो इतना गांठ आपका मैम बोन आपको ब्रोक कर सकता है ये। हाँ। ये अगर ब्लास्ट करता है। हाँ। तो ये आपका बोन तोड़ देगा, ये पैर उड़ा देगा, फैटल ब्लो पैर उड़ा देगा पूरा। यहाँ ये भी समझिए कि अफगान युद्ध के समय अमेरिका प्रति सप्ताह 3 जवानों को गंवाता था और 3 में से 2 की जान आईईडी ब्लास्ट में जाती थी। आईईडी से बचने का एक ही रास्ता है, सतर्कता, और ये कोबरा कमांडोज के प्रशिक्षण ही नहीं उनकी आदत में शामिल है। कमांडोज ने यह रुतबा अपनी इच्छा शक्ति से हासिल किया है। इच्छा शक्ति देश के गद्दारों और दुश्मनों को खाक में मिलाने की, नक्सली कहीं कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों से भी ज्यादा घातक है। देश को आंतरिक तौर पर ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज्यादा बड़ी चुनौती देते हैं। उस पर से उन्हें जो देश विरोधी ताकतें सपोर्ट करती हैं वो विदेश में भी है और देश में भी है। इन ताकतों के साथ जब जंगल भी उनसे मिल जाता है तो वो बेहद खतरनाक होते हैं। बरबत्ता में नक्सलियों का कोई सानी नहीं, लेकिन कोबरा कमांडोज के ये जाबाज उन्हें उसी जंगल में उनकी पूरी ताकत के सामने मिट्टी में मिला देते हैं। जो भी कोई ऑपरेशन होता है और हम बहुत हाईली मोटिवेट होकर जाते हैं जंगल में और ढूंढते हैं कि हमारा दुश्मन कहाँ है और हम उसको तबाह कर दें। आयल से कि जब तक टोटल नक्सलवाद जो कि बिगेस्ट थ्रेट है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को वो खत्म नहीं हो जाता, कोबरा रुकेगी नहीं और झुकेगी नहीं। जंगल वॉरफेयर के हिसाब से गिरिल्ला युद्ध में ये जितने पारंगत होते हैं उतने दुनिया के किसी देश के कमांडोज शायद ही होते हों। गर्व कीजिए ये जानकर कि भारत के कोबरा कमांडोज अमेरिका, इजराइल और रूस की फोर्सेस को भी गिरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देते हैं।
इन जवानों की शैली अद्वितीय है और यही इनकी पहचान भी। जो देश की शांति का दुश्मन है वो इनके लिए व्यक्तिगत दुश्मन की तरह होता है और यही वो जज्बा है जो दुश्मन को कभी इनके हाथों से बचकर जाने नहीं देता। जान जाती है लेकिन दुश्मन की लाइफ लाइन वहीं कट जाती है। जितने दुश्मन हैं उससे हजार गुना ज्यादा उनसे निपटने का संकल्प है। ये संकल्प ही जंगलों में काम आता है, कपकपाती सर्दियों और वीरान अंधेरों में भी। हम लोग इतना अलर्ट होते हैं, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे हमारे लिए अलर्टनेस बढ़ती जाती है, क्योंकि दिन में तो थोड़ा बहुत शोर वगैरह गांव में लकड़ी काटने वाले वगैरह होते हैं, बट जैसे जैसे रात होती है सब लोग अपने अपने जो स्थानीय लोग हैं वो घर चले जाते हैं, बट हम लोगों को फिर और ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है, एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ता है रात में, और रात में जब हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। कोबरा कभी आसान रास्ता नहीं चुनता और एक ऐसा रास्ता भी नहीं चुनता है जो कि प्रिडिक्टेबल जिसे हम कह सकें। इसीलिए चाहे रास्ते में पहाड़ आए, पानी आए, झाड़ियां आए, सांप आए, बिच्छू आए, जो भी आए, इन्हें बस आगे बढ़ना है। ये जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो किसी को महसूस भी नहीं होता है, यानी कि एक रास्ता कोई भी ले लेकिन बेहद खामोशी के साथ, दुश्मन को पता भी नहीं चलता, अचानक किसी भी दिशा से आकर ये आक्रमण कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। दिलचस्प है और सच है, एक कोबरा और कोबरा कमांडो में बहुत समानताएं होती है। कोबरा यानी नाग को सांपों का राजा माना जाता है, जंगल में उससे पंगा कोई नहीं ले सकता, उसी तरह जंगल के ये कमांडो भी अजेय हैं। कोबरा जब अपने शिकार की ओर बढ़ता है तो उसे आहट भी नहीं मिलती और वो पल भर में काम तमाम कर देता है। वैसे ही कोबरा कमांडोज की आहट भी दुश्मन को तब तक नहीं लगती जब तक वो आक्रमण न कर दे, और सबसे बढ़कर ये कि दोनों का काटा पानी तक नहीं मांगता। नक्सलियों में कोबरा कमांडोज का खौफ ऐसा है कि उन्हें अगर भनक भी लग जाती है कोबरा के आने की तो वो मुकाबला करने की जगह अपना रास्ता बदल देते हैं। जंगल में जब आप किसी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो आपको पता नहीं आप कितने दिन तक बाहर रहेंगे, और इसीलिए ऐसा नहीं है कि वजन में आप राशन खाने का सामान नहीं, पहले आपका आपके सामने होता है कि आप पानी जरूर अपने पास रखें जी मैम, और बाकी चीजें हथियार जरूर होनी चाहिए जी मैम। तो अब समझ लीजिए इसमें कि आपने जंगल में ये इस तरह से पानी नदियों में केकड़े मिल जाते हैं ऐसे जी मैम, तो आप खा लेते हैं कच्चा? उसको भी खा लेता है मैम। मतलब जिंदा रहना है, ताकतवर रहना है जी मैम। कितने कितने दिन आप लोगों को हो जाते हैं ऑपरेशंस में ऐसे? लगभग कभी कभी एक हफ्ता भी लगता है, इसलिए रेशम के लिए तो दो दिन तीन दिन लगभग होता है, उसके बाद ये ऐसे नदी उधर इधर से कुछ लेके ऐसा खा लेता है जो भी मिल जाता है, जो भी मिलता है, जो भी मिल जाता है। यानी कि जंगल के भीतर कोई आपका दुश्मन नहीं होता है, जंगल के जरिए आपको जीना है और उस समय जो चीज आपको मिल जाए उसको खाकर आप काम चला सकते हैं जी मैम। कोबरा की खासियत सबसे बड़ी क्या हम ये माने? हाँ जी मैम। कैसी भी जगह में आप लोग जी सकते हैं, लड़ सकते हैं, ऐसे भी जगह में हम लोग लड़ सकता है, और हम लोग नहीं देख सकता है क्या 23 है क्या 23 नहीं है, हम लोग जो मिलेगा वही एनर्जी हम लोग चाहिए, इसलिए हम लोग खाना पड़ेगा उसको। अच्छा, मतलब टेस्ट नहीं, एनर्जी ऊर्जा उसकी आवश्यकता है, स्वाद तो दूसरी चीज है, बस इसमें जो चीज सेफ हो जाए वो चीज आप लेकर खा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस तरह की चीजें देख रहे हैं कि केकड़ा निकल रहे हैं या फिर सांप निकल रहा है, बल्कि जो वेजिटेरियन चीजें भी जैसे जड़ हो पत्ते हो ये भी आप लोगों को पहचानना आता है? हाँ मैम, पहचानना आता है, और जो फल वल मिलता है जंगल में सब खा के हम लोग सर्वाइव करते हैं। इसमें ध्यान देना होता है कि क्या जहरीला है क्या नहीं है? हाँ, वो हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है, जो रेड वाला होता है वो थोड़ा जहरीला होता है, और बाकी जो पहचानने का हम लोग को टेक्टिस है। मतलब आप लोग खाना लेकर नहीं भी चलें तो आप लोग पूरा उतनी ही ताकत के साथ सर्वाइव कर सकते बिल्कुल हैं। 10 दिन ऐसे चल सकते हैं हम लोग खाना खत्म होने के बाद भी।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है, वही इन खतरनाक जंगलों में जिंदा रहता है। और इन जंगलों में न सिर्फ जीवित रहना है बल्कि इन जंगलों से मुकाबला करना है। जंगल में ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है नक्सल का। नक्सल हाइड आउट में बैठा है, कहाँ छिपके बैठा है, पेड़ों के पीछे बैठा है, कमांड आईडी लगा के बैठा है, कोई सी आईडी लगा के बैठा है, तो वही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है जंगल के अंदर। कल से जैसा कि आप भी अभी हमारे साथ यहाँ पे जंगल में हैं, तो मैम यू कैन फील द ह्यूमिडिटी दैट वी आर फेसिंग, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर दैट वी फेस इन द जंगल मैम। खाना, जैसे कि हमारे ऑपरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन होते हैं, वाटर हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। जहां दिशा तक समझ ना आए वहां सूझबूझ और संतुलन बनाए रखना है, जहां ओर छोर समझ ना आए वहां रास्ता तय करना है, जहां धरती से लेकर आसमान तक कहीं पर भी घात लगाए दुश्मन बैठा हो वहां निर्भीक निडर आगे बढ़ना है। कोबरा कमांडो की शक्तिशाली के बारे में तो पूरी ये दुनिया वर्ल्ड में उसका नाम है, इसके बारे में तो मतलब सभी जानते हैं। हम लोग जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है 3 मंथ्स का, जब हम लोग कोबरा में इंडक्ट करते हैं तो उस समय इतना हम लोग को फास्ट कर दिया जाता है जंगल के बारे में कि मतलब कोई भी कठिनाई आए तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटते। यही है कोबरा कमांडोज, यही है उनका प्रण। सभी तैयार है? तैयार है सर। यही है उनका जीवन कि देश का कोई दुश्मन हमारी धरती पर न पनाह ले सके न पनप सके। इनका हर मिशन असंभव का पर्याय होता है, इनका हर मिशन पग पग पर मुश्किलें लेकर आता है, इनका हर मिशन देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरा कैसे हो सकता है, लेकिन मजाल है जो यहां से एक कदम बाहर रखें और अपने मिशन को पूरा करके न लौटें, ये कोबरा कमांडोज की कहानी है। अभी के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।